जरा मैं ये आपके हवाले से भी बात कर लेती हूँ। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया आपका, इतना टेंस, इतना सख्त माहौल, इसमें आप बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, क्या आपने ऐसा किया कि कोई उम्मीदवार आपके सामने नहीं आ सका? अली हैदर गिलानी से कोई बात हुई थी क्या आपकी? मैं आपको ये बताऊं कि 17 तारीख का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। इंतजामिया का पूरा जोर था, इंतजामिया के साथ साथ ड्यूरिंग इलेक्शन न्यू स्कीम्स लॉन्च की गई और हमने इलेक्शन कमीशन के सामने हाईलाइट किया हमारे पास सारे केसेस ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद जब पीटीआई ने 80% इलेक्शन जीता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो पीटीआई का बयानिया था उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको एक्सेप्ट करने के बाद जब उनके आखिरी अरबा था कि हम लोग स्पीकर के इलेक्शन में थोड़ा परचेजिंग कर लेंगे, फिर तो प्रोपर करेंगे और हम इसी तरीके से ग्लोबरिंग करेंगे, जब वो ग्लोबरिंग दोबारा दबा हुई तो फिर पीडीएम का जो आपस का एतराज, आपस का जो उनका कन्वर्जेंस था कि हम लोग मिला के कैंडिडेट देंगे, वो इसलिए नहीं दे सके। पीडीएम पीपल्स पार्टी कह रही है मुस्लिम लीग नून को कि तुम अपना बंदा दो खराब होने के लिए, मुस्लिम लीग नून कह रही है पीपल्स पार्टी को तुम अपना दो बंदा खराब होने के लिए। इसके दर्द का हाइप क्रिएट होती है, पब्लिक देखती है, पब्लिक सुनती है और यज्ञ बात दिख रहे। जब आप बाई इलेक्शन जीते और उसके साथ साथ बाई इलेक्शन के साथ साथ जब आप लोग सीएम का इलेक्शन जीते, स्पीकर का इलेक्शन जीते, तो मजीद खराब होने के लिए इनके पास क्या रह गया था? तो उन्होंने